हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या फिर विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की ज्यादा मात्रा भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन विटामिन डी तो सनशाइन विटामिन है। मतलब जब जब हमारे शरीर पर धूप पड़ती है तो ये विटामिन डी खुद ब खुद बनने लगता है, क्योंकि ज्यादा धूप सेकने से शरीर में विटामिन डी हद से ज्यादा बढ़ सकता है। और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। जब हमारी चमड़ी धूप के सीधे संपर्क में आती है तो शरीर में मौजूद 7-DHC नामी एक प्रोटीन सूरज की रोशनी से क्रिया करके विटामिन D3 पैदा करता है। और विटामिन डी की सही मात्रा लेने के लिए रोजाना 15 से 30 मिनट की धूप काफी होती है। लेकिन इससे ज्यादा धूप सेकने पर क्या होगा? जैसे कि सर्दियों में हम घंटों धूप सेकते हैं, या फिर वो लोग जो दिन भर धूप में काम करते हैं, क्या उनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा हद से बढ़ सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शरीर एक हद से ज्यादा विटामिन डी कभी नहीं बनाता, फिर चाहे हम सारा दिन ही धूप में क्यों ना बैठे रहें। लेकिन गैर कुदरती ढंग जैसे कि दवाइयां और सप्लीमेंट से विटामिन डी लेने पर ये खतरा बना रहता है। हालांकि इस चीज का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी खतरे को जानना जरूरी है। भारतीय लोगों के लिए ICMR रोजाना 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी रेकमेंड करता है, क्योंकि भारत में धूप काफी मात्रा में होती है और रोजाना बाहर निकलते समय कुछ हद तक विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता रहता है। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार आधे से ज्यादा भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है, इसीलिए मार्केट में आमतौर पर बिकने वाले सप्लीमेंट्स 500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट के होते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं। मगर कई बार किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर विटामिन डी की बहुत ज्यादा मात्रा वाली गोलियां देते हैं, जो 60,000 से 70,000 इंटरनेशनल यूनिट तक भी हो सकती हैं, और इनका इस्तेमाल बहुत कम समय के लिए करना होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इतनी ज्यादा मात्रा में विटामिन डी लंबे समय तक लेता रहे, या फिर कहें कि अगर किसी भी तरह 10,000 इंटरनेशनल यूनिट रोजाना से ज्यादा विटामिन डी शरीर में लंबे समय तक जाता रहे, तो ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी का मुख्य काम शरीर में कैल्शियम को सही मात्रा में बनाए रखना होता है। और जब विटामिन डी हद से बढ़ता है तो वो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ा देता है, जिसके चलते हड्डियों से लेकर किडनी, लीवर और दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए बिना टेस्ट या फिर डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक विटामिन डी सप्लीमेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।